हेलो एवरीवन, ये है बोल्ट ऑडियो एनकोर एक्स। ठीक है, एक वॉच भी थी, 10 दिन वीडियो लेट हो गई है, टाइम नहीं मिल पा रहा था यार वीडियो रिकॉर्ड करने का, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो पहले आप अनबॉक्सिंग देखो और कंक्लूजन वाला पार्ट तो ज़रूर देखना, बिना देखे मत जाना। ये है बोल्ट ऑडियो एनकोर एक्स का बॉक्स। नीचे की तरफ आपको देखने मिलेगा एक्स्ट्रा बेस, ENC माइक, HD डीप बेस एंड 3D एक्वास्टिक, 1 ईयर की वारंटी, बिल्ट इन माइक्रो बूफर। पीछे की साइड आपको देखने मिलेगा गूगल वॉइस कमांड और एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल्स, ब्लूटूथ ऑटो पेयरिंग, बोथ ईयरबड्स यानी कि मोनो की तरह काम कर सकते हैं, स्टीरियो कॉलिंग एंड माइक। केस मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल रखा है और केस इस बार इन्होंने कुछ अलग सा डिजाइन किया है। सामने आपको बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग देखने मिलेगी और सामने की तरफ एक LED इंडिकेटर देखने मिलेगा। ये ब्लू है, आपको अभी व्हाइट दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ रही है तो कलर चेंज हो जा रहा है। पीछे की साइड आपको एक USB Type-C का पोर्ट देखने मिलेगा चार्जिंग का, और पीछे ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। कैप ओपन करते ही ये ऑन हो जाते हैं और सामने रखे हैं बड्स, और जो केस है वो बोट एयरडोव्स 411 का कुछ कॉपी सा लग रहा है, सेम डिजाइन आता है सेम टू सेम। बात करी जाए अगर बड्स की तो बड्स का डिजाइन भी इस बार बोल्ट ऑडियो ने चेंज करा है, तो मुझे काफी सही लग रहा है। पहले वाले सब सेम टू सेम सब एक ही देखने मिलती थी, तो सही है थोड़ा चेंज कर रहे हैं। और जो इसका एंगल है ना, ये काफी अच्छा है, एंगल भी 45 डिग्री पे, तो फिटमेंट काफी सही आता है। बाकी सामने की तरफ मुझे तो एक ही माइक देखने मिल रहा था, तो कॉलिंग मैंने जब टेस्ट की थी तो इसकी अच्छी आ रही थी। वहीं बात करूं अगर लिड की क्वालिटी की, तो लिड ठीक ठाक है, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी। और बात करूं अगर हिलती है क्या, तो हिलती भी नहीं है, हिंज इसकी ठीक ठाक है। और कैप ठीक है, ज्यादा औसम भी नहीं बोलेंगे और ज्यादा खराब भी नहीं बोलेंगे इसको, और काफी कॉम्पैक्ट है, आराम से एक मुट्ठी में बंद हो जाता है, तो आप इसे आराम से कैरी भी कर सकते हो, लेकिन जेब में रखोगे तो एक साइड थोड़ा सा मोटा लगेगा देखने में। बॉक्स के अंदर आपको एक वारंटी कार्ड देखने मिलेगा 1 ईयर की, और इसमें आपको एक मैनुअल देखने मिलेगा, और यहाँ पे कुछ टच कंट्रोल लिखे हुए हैं, तो इन्हें आराम से पढ़ लो, तो क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है। पीछे आपके कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि जैसे अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। एसेसरीज के बॉक्स में आपको सिलिकॉन टिप्स देखने मिलेंगी, ये काफी सॉफ्ट हैं, जो लगी हुई आई हैं वो भी सॉफ्ट हैं और ये भी सॉफ्ट है काफी। इसमें आपको एक USB Type-C चार्जिंग केबल देखने मिल जाएगी जिसकी क्वालिटी अच्छी है। बात करेंगे बैटरी बैकअप की, तो भाई इन्होंने सिंगल चार्ज पे मुझे बड्स ने 4 घंटे 4 मिनट का मुझे बैटरी बैकअप दिया। राइट साइड वाला पहले बंद हो गया था, लेफ्ट वाला 2-3 मिनट बाद बंद हुआ, तो ये हो जाता है सभी TWS में लगभग ऐसे ही बैटरी बैकअप देखने मिलता है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है। और इसका केस 3 बार मैंने फुल चार्ज कर लिया था, चौथी बार अभी भी बचा हुआ है, तो चौथी बार भी चार्ज हो जाएगा जहां तक है, लेकिन फुल चार्ज होगा इसकी श्योरिटी मैं नहीं देता हूं। अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन रेंज की, तो भाई जैसे ही मैंने छत पे चलना शुरू किया, मैंने एक टर्न लिया, आवाज आ रही थी, फिर मैं पेड़ के पीछे से जब घूमा एक टर्न लिया, तब हल्का सा साउंड का ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तब जाके ज़्यादा ब्रेक हुआ, तो मुझे इस हिसाब से लगा कि 5 ही मीटर है, तो फिर मैं और आगे गया, बड़े पेड़ के पास गया, तो जाते जाते पे आवाज़ आई थी, लेकिन जैसे ही टर्न लिया फिर बंद हो गई। फिर मैं लौट के आया, जब टर्न लिया तो वहाँ तक आवाज़ आ रही थी जो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो है 5 मीटर तक इसकी रेंज है, ये मैं मानता हूँ, इससे ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की, कि ओवरऑल साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस कैसा है। ट्रबल हाई है, वोकल्स क्लियर सुनाई देते हैं, बेस में वाइब्रेशंस हैं, और इसीलिए ये साउंड क्वालिटी के मामले में मुझे अच्छा लगा। एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसके अंदर कितने mm का ड्राइवर है, और लिखा भी नहीं है, लेकिन 10 mm का तो है, ये मैं मानता हूँ, 10 से ऊपर भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, 13 का शायद ना हो। ओवरऑल मेरे जैसे बेस लवर के लिए ये बहुत अच्छा है। अब मैं आपको मैग्नेट टेस्ट करके दिखा देता हूँ, लेकिन जिस तरीके से इसका डिज़ाइन है उस पर मैग्नेट टेस्ट जो अप्लाई नहीं होता, उसमें इसमें ना 100% गिर नहीं होते हैं, तो मैं भी हल्के गिरा रहा हूँ, थोड़ी तेज गिराऊंगा ना तो गिर जाएंगे, देखो झटका भी ले रहे हैं, तो कोई देखो गिर भी गए, तो कोई मतलब नहीं होता इसमें कि भाई मैग्नेट टेस्ट किया जाए। अब बात करेंगे क्या इसमें से कोई हिसिंग नॉइज आती है, बिल्कुल नहीं आती है। क्या कोई साउंड लीकेज है, बिल्कुल नहीं होता, यहाँ तक कि अगर मैंने यहाँ रखा है ना, तो थोड़ी दूर तक ही पता चलेगा कि कौन सा गाना बज रहा है, थोड़ी दूर के बाद पता नहीं चलेगा, तो काफी अच्छा है ये इस मामले में। प्राइस ज्यादा है और कनेक्शन रेंज आपको देखने कम मिलती है। अभी हम करेंगे इसका पेयरिंग टेस्ट। फोन का ब्लूटूथ ऑन है, कैप ऑन होते ही ऑन हो जाते हैं, तो 1, 2, 3, मतलब वही हमसे भी डिले हो जाता है, तो 3 सेकेंड में भाई ये कनेक्ट हो जाते हैं, तो पेयरिंग इनकी काफी फास्ट है। अब बात करेंगे इसका लैपटॉप के साथ कैसा कनेक्शन है। तो भाई जो अभय 3 करके जो सीरीज चल रही है, वो मैंने इसी पे देखी है और पूरी सीरीज एक साथ निपटाई थी, तो वो
मैंने बीच में बढ़ाया भी था थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक बार में इसने मुझे दिखा दी और ये डिस्चार्ज नहीं हुआ था। तो भाई कंप्यूटर के साथ भी वैसे ही कनेक्शन देखने मिलता जैसा फ़ोन के साथ देखने मिलता, स्टेबल है और 5 मीटर से ज़्यादा जाओगे तभी ब्रेक होगा, 5 मीटर के अंदर बिल्कुल सही आएगा। और जो कॉलिंग है वो ठीक ठाक हो जाएगी, अगर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल, जूम कॉल ये सब करनी है तो ठीक ठाक हो जाएगी। अब बात करेंगे इसकी फिटमेंट की, भाई फिटमेंट कैसा है। तो देखो जिस हिसाब से मैं एक साइड पूरा झुक के गर्दन हिला रहा हूँ तो मुझे हल्का सा ऐसा लग रहा है कि मिसप्लेस हो रहे हैं, मतलब हल्का सा लूज हो रहे हैं लेकिन गिर नहीं रहे हैं, और इतना झटका मारने पे भी निकल नहीं रहे, लेकिन हल्का सा फीलिंग आएगी कि निकल सकते हैं लेकिन निकलेंगे नहीं। तो इस मामले में फिटमेंट इनकी काफ़ी अच्छी है और ठीक ठाक है, छोटे ही सिलिकॉन टिप्स अभी लगी हुई हैं, अगर मैं चेंज कर लूंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। तो अभी हम करने वाले हैं इसका कॉलिंग टेस्ट। तो इसमें आपको लिखा है कि HD कॉलिंग होगी वगैरह वगैरह, तो मैंने अभी कॉल लगा रखी है। तो हेलो हेलो, तो अभी जितनी बात पीछे मैंने बोली वो कैसी सुनाई दे रही थी? मुझे तो एकदम क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर। हाँ, एकदम क्लियर आ रही है, मोबाइल के माइक से आ रही है मुझे तो। मतलब समझा नहीं, मोबाइल जी? मोबाइल के माइक से जो आवाज आती है एकदम क्लियर। अच्छा, तो एक मिनट रुकना, मैं ना पंखा और चला रहा हूँ। अच्छा, तो अभी मैंने पंखा चला दिया है, तो भाई अब बता आवाज कैसी आ रही है? नॉर्मल नॉइस नहीं आ रही, क्लियर आ रही है। अच्छा, कोई भी गिन गिन या कोई भी नॉइस नहीं, कुछ नहीं आ रहा मुझे, एकदम से क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा, तो मतलब पंखा चलने के बाद भी अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, तो भाई अभी मैंने पंखा बंद कर दिया है, तो सामने वाले के हिसाब से जैसी पंखा चलने के बाद भी आवाज़ आ रही थी उस हिसाब से इसकी कॉलिंग काफ़ी अच्छी है। और ओप्पो एनको एयर 2 ये रखे हैं, तो ये 2000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में मिलते हैं और ये हैं 1700, 1600, 1800 के आसपास। तो आपको एक ऑप्शन मिल गया है एक अच्छी कॉलिंग वाले TWS को लेके। अभी हम करने वाले हैं इसका ड्रॉप टेस्ट। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, भाई बर्ड्स के साथ साथ केस भी ग्राई करो जिससे पता चले केस भी झेल पाएगा या नहीं। तो ये लो भाई, खुश। तो फाइनली हमने भाई उठा लिया है, अब मैं गाना चला रहा हूँ, देखते हैं भाई चलेगा या नहीं। गाना चल चुका है, दोनों में से बिल्कुल सही आवाज आ रही है। अब जरा केस और टेस्ट कर लेते हैं रख के। हो गया, थोड़ी देर बाद बंद हुआ लेकिन हो गया। तो भाई झेल जाएगा इतनी जल्दी, ना तो केस टूटेगा ना बर्ड्स टूटेंगे। अब बात करेंगे हेलमेट टेस्ट की। तो देखो मैं अभी गर्दन हिला रहा हूँ, फ़ोन मेरे पॉकेट में है और जिस तरीके से मैं हिला रहा हूँ मुझे आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। और वहीं बात करूँ अगर कॉलिंग की, अगर आप बाइक चलाते पे, स्कूटी चलाते पे कॉलिंग करते हैं तो आवाज़ बिल्कुल सही आएगी, ब्रेक नहीं होगा और इसका माइक काफ़ी अच्छा है, तो कॉलिंग आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है, किसी भी तरह की नॉइज़ आपको देखने नहीं मिलेगी। तो भाई सारे टेस्ट करते करते अब हम आ गए हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि लिया जाए या नहीं। जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उस हिसाब से मुझे तो जस्टिफाई लगा, कॉलिंग काफ़ी अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बस कनेक्शन रेंज थोड़ी सी कम है, 5 मीटर है, उससे ज़्यादा हो सकती थी। बैटरी बैकअप भी 4 घंटे सफिशियंट है, अच्छा लगा मुझे। केस भी ज़्यादा बार चार्ज कर देता है, 3 बार तो करते ही करता है। तो कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल देखूँ, जो मोटी मोटी चीज़ें जो आपको यूज़ में लानी है डेली, जिसकी ज़रूरत है, वो सब इसमें ठीक है। तो मेरी तरफ से आप इसे ले सकते हो और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो भाई आँख बंद करके तुम ले सकते हो, लेकिन गेमिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट नहीं है, तो गेमिंग वाले कोई और देखो, कॉलिंग म्यूजिक के लिए बेस्ट है।